देखिए, पहला तो ये है कि जिन्हें निजी अस्पताल हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं, सभी तरह के पेशेंट्स का इसमें इलाज चले। कुछ अस्पतालों को सर्दी खांसी और सांस लेने की तकलीफ के लिए आइसोलेट कर देंगे हम लोग। कोविड के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ डेडिकेटेड अस्पताल 2-3 फिक्स हो जाए जिसमें केवल कोविड पेशेंट कहीं अगर आइडेंटिफाई होता भी तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे उसको। और अस्पतालों का मैनेजमेंट मेन है। नंबर टू, जो हमारे एरियाज में ज़्यादातर केसेज आ रहे हैं, जैसे रानीपुरा हो गया, नयापुरा हो गया, चंदन नगर खजराना हो गया, हाथीपाला हो गया, यहाँ पर इनमें हम लोगों को स्क्रीनिंग करानी है। उसकी टीम अभी हम लोग रवाना कर रहे हैं, आज पूरा रानीपुरा टेकअप कर रहे हैं। पुलिस के एडिशनल SP साहब भी हैं। ये बोला गया है कि जो ये रोड है प्रैक्टिकल इस पूरे मोहल्ले में जहाँ से केसेस आ रहे हैं, इसको पूरा लॉकडाउन कर रहे हैं इस मोहल्ले को। अभी इस तरह के जितने भी एरियाज हैं हम लोग को पूरी स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। जो दवाइयाँ देनी, प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि HCQS दवाई देते हैं, क्लोरोक्विन टाइप की दवाई रहती है, वो दवाइयाँ बंटवा रहे हैं 55 साल से ऊपर के लोगों के लिए, और जिनको डायबिटिक है या अलग अन्य बीमारियाँ एक्सेप्ट हार्ट की डिजीज़ हो। हार्ट की डिजीज़ में ये दवाई एकदम से नहीं देंगे बगैर मेडिकल ट्रीटमेंट के, बाकी सबको जो दवाई के डोज देना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं इनिशियल। अगर उसमें किसी का कुछ पॉजिटिव या कोई सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो उसको हम लोग आइसोलेशन में ले जाएंगे MTH में। जो क्वारंटाइन का है, कई लोगों को यहाँ से क्वारंटाइन में ले जाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग मैरिज गार्डन कुछ लेट टेकअप कर रहे हैं बाईपास के, वहाँ खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हलवाई वहाँ लगा रहे हैं ताकि सुबह से लेकर रात तक उनको खाने की व्यवस्था रहे उनकी। और इसके बाद फिर शहर का टोटल लॉकडाउन करना है, तो मेरा उसमें आप लोगों से सहयोग, मीडिया और मीडिया का, आप लोग भी सुरक्षा का ध्यान रखें, सभी लोग मास्क लगाएं, हाथ में ग्लव्स पहने, कृपया ऐसे ना घूमें आप लोग। ऐसी बाकी लोगों का भी है जो स्वयं से भी संगठन खाना बंटवाने के नाम पे पूरे शहर में भीड़ इकट्ठा हो रही है। मैंने स्ट्रिक्टली पुलिस कंट्रोल रूम को बोला है, सभी TIs को मैसेज हो गया है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया स्वयंसेवी संगठनों से, हमें जरूरत पड़ेगी, मैं सबको जानता हूँ, मैं बुला लूँगा उन लोगों को। हम व्यवस्था अलग से करा रहे हैं, 5-10 हज़ार पैकेट बनवाने की, अलग से हम लोग लोगों को डिप्यूट कर रहे हैं जनता के बीच से, लोगों को उनके माध्यम से हम बंटवा देंगे। पर जो स्वयंसेवी संगठन पूरे शहर में घूम रहे हैं अभी भिड़ अभी मैंने आया तो MYG के सामने भीड़ लगी थी, मैंने वहाँ TI साहब को भेजा था, मोबाइल को भेजा है कि उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें वो भी घर जाएं, भीड़ भी इकट्ठा ना करें। ये सारे दूसरे जो बच्चों लोगों के लिए ये हुआ था, थानों में भीड़ लग रही थी परमिशन लेके बाहर जाने का, वो भी स्ट्रिक्टली हमने मना कर दिया है पुलिस को। कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा जिस हॉस्टल में रह रहा है, उस हॉस्टल संचालक की जिम्मेदारी है कि बच्चा जब तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं वहाँ बच्चे को खाने पीने की व्यवस्था हो, हॉस्टल संचालक उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कहीं अगर बच्चों को तकलीफ होगी तो संबंधित हॉस्टल संचालक जिम्मेदार माना जाएगा। जो लेबर आई हुई है, जिन ठेकेदारों ने लेबर बुलाई है, जिस प्रोजेक्ट में लेबर आई है, उस प्रोजेक्ट के मालिक का या ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि लेबर के रुकने की और खाने की तो संपूर्ण व्यवस्था करे। अगर उनको तकलीफ होती है खाने पीने की तो हम लोग तो व्यवस्था कराएंगे लेबर की, पर वो जिम्मेदार वही माना जाएगा। इसलिए जो भी परमिशन दी जा रही थी उसको बंद कर दिया गया है, कोई बाहर नहीं जाएगा, जो जहाँ है वहाँ रहे। अब धीरे धीरे सख्ती करेंगे हम लोग, तो आप सबसे भी अनुरोध है कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप लोग, और प्लस बहुत ज़्यादा ना घूमें आप लोग, जहाँ आवश्यकता हो रही वहाँ घूमें, क्योंकि कुछ दिन में नियंत्रण आ जाएगा। यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव, पूरा शहर चाहता है, जो मेरी बात है, पूरा शहर कंप्लीट लॉकडाउन चाहता है यहाँ पर, तो शहर की ही मंशा है कि लॉकडाउन हो, शहर सुरक्षित रहें लोग, ये रोग ना फैले कहीं पर, और जहाँ आ भी गए हम लोग नियंत्रित कर लेंगे उसको कंप्लीट। हम लोग PPE किट बना रहे हैं, हम लोग अस्पतालों की व्यवस्था कर रहे हैं, निजी अस्पतालों से मीटिंग ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी होगी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ खाने की असुविधा होगी 2-3 दिन में पूरी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, खाने की असुविधा कहीं नहीं होगी, पर एक बार कंप्लीट लॉकडाउन की शुरुआत करनी जरूरी है, जिसको आज और कल से शुरू हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो कंप्लीट लॉकडाउन होगा ये लंबे समय के लिए होगा या सिर्फ 1-2 दिन के लिए? नहीं, 1-2 दिन की, थोड़ा उस समय चलेगा। सर एक चीज़ और देखी जा रही है कि निजी हॉस्पिटल जो है, चाहे गायनिक के पेशेंट हो, जो गर्भवती महिला, इसीलिए मैंने आपसे बोला सरकारी हॉस्पिटल नहीं, नहीं करना पड़ेगा उनको, उनको वही बात कर रहा हूँ मैं उनसे। सर एक और समस्या आ रही है कि जो किराना सामान या इस तरह की जो सब्जियां फल सब्जी जो भी है वो दिगने से चौगुने दाम पर मिल। देखिए, किराना सामान तो अधिकांश लोगों ने स्टॉक कर लिया है, कहीं कमी नहीं है। मैंने तो गरीब बस्तियों तक भी पता किया है, कहीं कहीं दिक्कत है, वहाँ हम लोग खाना बंटवा देंगे, वहाँ ड्राई राशन के पैकेट्स बनवा रहे हैं, भिजवा देंगे हम लोग, उसमें अलग से वॉलंटियर्स लगा रहे हैं हम लोग, वो व्यवस्था कर लेंगे। पर अधिकांश जगह पे 90% से ऊपर जगहों पे खाना स्टोर हो चुका है यहाँ पर। सर देखिए, राशन की तो दिक्कत कहीं शहर में नहीं, तो सही है, पैनिक बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एक बड़ी चीज़ है दूध की और एक हरी सब्जियों की, तो ये कंप्लीट लॉकडाउन। देखिए दूध के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, सब्जियों में आलू प्याज से काम चला लें, बहुत ज़्यादा हरी सब्जी रिस्की है बुलाना, बहुत हाथों में लग के सब्जी आती है, अगर उसी के माध्यम से कोई वायरस आपके घर पे आ जाता है
तो लोगों को सुरक्षा रखनी चाहिए। आलू प्याज जरूर है, गोडाउन में रखे, उसकी व्यवस्था हम लोग कुछ कराएंगे। तो मेरी सलाह ये है कि बहुत ज़्यादा हरी सब्जी के पीछे लोग ना जाएं। हरी सब्जी घर के अंदर जितनी बाहर से चीज़ आ रही है वो सुरक्षित रखेंगे, ना आए बाहर से चीज़, अंदर से कोई बाहर ना जाए, बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आए। आलू प्याज की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। बहुत ज़्यादा हरी सब्जी के पीछे भागने का ये वक्त नहीं है, कुछ दिन की बात है, केवल 10-15 दिन की बात है। ठीक से अगर लोगों ने इसमें थोड़ा सह लिया, हल्की फुल्की तकलीफ भी सह ली। मैं भोपाल से आ रहा हूँ, भोपाल लॉकडाउन, तो मैं दाल रोटी या दाल चावल खा रहा था वहाँ पर, हमने हरी सब्जी बिल्कुल बंद कर दी थी लाना, तो हम लोग और कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं होती है। 10-15 दिन संयम रख लें लोग, हरी सब्जी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, आलू प्याज की व्यवस्था हम लोग करा देंगे, अनाज की व्यवस्था पूरी रहेगी, पर थोड़ा 15 दिन का संयम रख लें, 14 दिन का, स्थिति पूरी समझ जाएगी। नहीं बिल्कुल वो हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं, अभी ऑर्डर्स हो रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं, पुलिस फोर्स भी लगा रहे हैं, उनकी सुविधा का भी पूरा ध्यान। देखिए अगर मरीज हम लोग क्वारंटाइन में रख रहे हैं लोगों को, तो उनके खाने पीने की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, उसमें कोई कमी ना हो इसके लिए चिंता कर रहे हैं हम लोग। अगर सुविधा रहेगी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं भागेगा। सर इंदौर में सेकंड स्टेज के अपर लेयर में पहुंच चुका है क्या? बिल्कुल पहुंच चुका है, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, पर ये अभी भी जो सख्ती हो जाएगी, एक बार टोटल लॉकडाउन हो जाएगा, चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, नियंत्रित हो जाएंगी, पर इसके लिए थोड़ा संयम रखना जरूरी है। जनता को थोड़ा घर पर रहें, थोड़ी बहुत असुविधा होती भी है। देखिए खाने की किसी घर में कमी नहीं है, जहाँ कमी है गरीब बस्ती को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, वहाँ हम लोग व्यवस्था देखें विशेष ध्यान रखेंगे। हम लोग इस शहर में किसी भी व्यक्ति को खाने की समस्या नहीं होगी, कोई भी लेबर बाहर से आ रहा है हम कहीं ना कहीं पैकेट बनवा रहे हैं 5-10 हज़ार के, वो भिजवा देंगे उनको, पर घर पे रहें लोग। अभी अब थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, सब्जी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, थोड़ा उसका संयम धैर्य रखें, उसको झेल लें। बाहर भी लोग बैठ रहे हैं, कुर्सियां लगा के बैठे हैं, उन्हें भी अंदर चाहिए यार, पहले तो सड़कों पर ना चले, वो कंट्रोल कर लें, फिर उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। सर रिक्वेस्ट होती है।